और इस बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से भी हमारे संवाददाता करम जय सिंह ने खास बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं। सर, तमाम चर्चा हुई, मंथन हुआ, अब सभी सीटों पर क्या नाम तय हो गए हैं, कितने नामों का पैनल जो है वो तैयार करके हाईकमान को भेजा जाएगा? देखिए, आज बहुत अच्छे वातावरण के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सभी 90 विधानसभा सीटों के ऊपर आगामी प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा हुई है। लगभग 5-5 लोगों के पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के लिए तैयारी हो गई है। कुछ सीट ऐसी भी हैं जहां पर सिंगल नाम हुए हैं, वो सिंगल नाम जाएंगे, अंतिम निर्णय पार्टी का जो हाई कमांड है वो करेगा और जल्द ही इसका मुझे लगता है कि सीटों का ऐलान होगा। क्या नए चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए, हमारी तरफ से जो नए भी हैं पुराने भी हैं, सब तरह के चेहरों का हमने जो रिकमेंडेशंस की है, मैं समझता हूँ कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट आएंगे। गुप्ता जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है दावेदारों की, कहीं भीतरघात ना हो जाए क्योंकि एक कोई टिकट मिल नहीं है, क्या उस पर भी ध्यान दिया गया है? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहा है और ये पहली बार नहीं है। हर बार जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कार्यकर्ता, और लेकिन टिकट तो एक को ही मिलनी है और हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, इसलिए किसी भी प्रकार के कोई हमें विद्रोह की कोई बात संभावना नजर नहीं आई। पहली लिस्ट कब तक आने की संभावना है? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे, साफ तौर पर कहना है कि पैनल तैयार कर लिया गया है और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो एक सीट पर सिर्फ एक नाम है और ये तमाम जो पैनल है ये हाईकमान को भेजा जाएगा, उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।